थैंक यू आलोक. वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार अगेन। टू ऑल ऑफ यू. सो दिस सेशन वाज वेरी एनर्जेटिक. उतनी एनर्जी पता नहीं आई विल बी एबल टू गिव और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. बट यस, वी विल बिगिन आवर सेशन नॉट विद जस्ट मी स्पीकिंग. आई विल आस्क यू टू से समथिंग. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैट में या फिर अगर सुविधा है तो बोल करके अपने इनपुट्स, हम पांच छह इनपुट्स लेते चलेंगे, जिससे कि हमारी जो डेफिनेशंस हैं चीजों की खुद बनेंगी, रादर देन मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या चीज क्या है, कैसी है. तो मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर मुझे इनपुट्स दें. सो जस्ट जस्ट अ सेकेंड। पार्टिसिपेंट्स आप लोग परेशान हो रहे थे अटेंडेंस लिंक के लिए, अटेंडेंस लिंक हमने पोस्ट कर दी है, बट सेशन को ध्यान से सुने, अटेंडेंस आपकी ओपन रहेगी कुछ टाइम तक, तो आराम से आप मार्क कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ साथ आलोक जी एक अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं हम. हेलो, हाँ कंटिन्यू करें मैम। शैल आई स्टार्ट और आर यू मेकिंग द अनाउंसमेंट? मैम जी मोनिका मैम, एक अनाउंसमेंट हम रिगार्डिंग अटेंडेंस फॉर्म करना चाहते हैं. हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपने जो नेम है वो ठीक से नहीं भर पा रहे हैं. तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज आप लोग अटेंडेंस फॉर्म. होगी कि हम वी विल डिस्कस टुगेदर. आई विल नॉट गिव ऑल द इनपुट्स, बट आई नो एज अ टीचर हम सभी जानते हैं कि वीडियो रिसोर्स क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, क्यों उसकी हमें जरूरत है. आई होप मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को. ओके, यस मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू. जस्ट अ सेकेंड. So, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज वीडियो रिसोर्स, या हम वीडियो किसे कहते हैं? वीडियो रिसोर्स भी अगर हम साइड पे छोड़ दें तो व्हाट एग्जैक्टली इज वीडियो? तो एनीवन कैन आंसर, एनीवन कैन आंसर इन द चैट और यू कैन आल्सो रेज योर हैंड्स. वीडियो रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, या वीडियो को आप कैसे जानते हैं, क्या होता है एक वीडियो? मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स. यस, नेक्स्ट. ऑडियो एंड विजुअल एड्स टुगेदर। वेरी गुड, वेरी नाइस. यस इंद्रनील सर, यू आर सेइंग समथिंग. आई एग्री विद दैट। यस शी इज ओके, राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू इट? थ्री डी मैडम, 3D डायमेंशन, सॉरी, 3D डायमेंशन मैम, 3D डायमेंशन. ओके, एनीथिंग एल्स? आई मीन एक्चुअली जिसे इट स्टार्टेड विद नॉर्मल पिक्स, देन आया वीडियो। वीडियो में मूविंग मूविंग पिक्चर्स टाइप, मतलब थिंग स्टार्टेड मूविंग, देन दे एडेड साउंड टू इट एंड देन स्पेशल इफेक्ट्स, तो समथिंग लाइक दैट। दृश्य और श्रव्य का ऐसा साधन जो जो बिल्कुल चलायमान हो, चलचित्र हो जिसमें। ठीक. तो अब देखिए, मैंने कुछ नहीं बताया, आपने मुझे खुद बता दिया कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, पहुंचाने के लिए लोगों तक. ओके, दिस इज द नीड. यस, हम लोग अभी पहले डेफिनेशन पे, मीनिंग पे समझ रहे थे. तो मीनिंग ये निकल के आया कि एक अमेलगमेशन है, एक कंपाइलेशन है किस चीज का? डिफरेंट चीजों का, राइट? सो इट इज लाइक इमेजेस, इट कुड बी ग्राफ्स, इट कुड बी इन्फोग्राफिक्स, या फिर डायरेक्ट जो हम वीडियो कैप्चर करते हैं. ऑल्दो वो भी मूविंग पिक्चर्स का ही एग्जाम्पल है. जब आप उस वीडियो को किसी एडिटिंग टेबल पे लाके देखेंगे तो आप देखेंगे इट इज वन वन पिक्चर विच इज गोइंग इन सीक्वेंस. सो इट इज बेसिकली 24 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड, 25 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग. सो अक्सर क्या होता है, वीडियो के अंडरस्टैंडिंग में हम भूल जाते हैं कि वीडियो में म्यूजिक भी है, नरेशन भी है, साउंड इफेक्ट्स भी है, जैसा सर ने अभी, इंद्रनील सर ने पूरा अच्छे से हमें बताया.
अब जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता है वीडियो का, तो जब भी हम वीडियो की बात करेंगे तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम वीडियो क्रिएशन की बात करेंगे। सो उसमें आपको जब प्लानिंग करनी है तो उसके अंदर आपको इमेजेस भी हो सकती हैं, उसके अंदर आप ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर और कोई माइंड मैप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको लगता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, या जिससे लर्निंग जो है वो बेटर हो सकती है, इंगेजिंग हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, तो वो रिसोर्सेज आपको प्री रेडी करने होंगे बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो मेकिंग प्रोसेस। देन एज मैम सेट द नीड ऑफ द वीडियो रिसोर्सेस कि हम अपनी बात पहुंचाने तक कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि हमें क्यों जरूरत है वीडियो रिसोर्सेस की? हम सामने बैठे हैं, क्या हम वीडियो से कम हैं? क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एज अ टीचर? कोई भी कंटेंट हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो रिसोर्सेस की जरूरत हमें क्यों है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? न्यू आई विल आई विल से एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस। वीडियो रिसोर्सेस की जरूरत हमें क्यों है? That will be a permanent resource. यस And दैट for विल better बी concentration among एक्ट एज अ students. परमानेंट टीचिंग रिसोर्स एंड मैडम, Into the various enhance types of learning. the Learner can see विजुअलाइजेशन and hear the information. और for better visualization एक एंड छोटे समय में हम बहुत सारी क्रिस्टलाइजेशन चीजों को रिपीट कर सकते हैं, बता सकते हैं एक छोटे समय में. वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सभी आंसर कर मैडम रहे, ऑल दो रिपीट भी हो रहे थे साथ में। तो सबसे पहले इट इज अ परमानेंट रिसोर्स दैट वी हैव क्रिएटेड। यस सर, आप कुछ कह रहे थे? तो जी विजय जी बोलिए। विजय सर आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कह रहे हैं? मैम फॉर बेटर कंसंट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स. ओके वेरी गुड। तो मैम वीडियो जो जी है ना, जो हम बच्चे ये वीडियो देखते रिसोर्सेज नहीं सकते, वीडियो कैन देख के भी समझ सकते हैं बात. बोर्ड। ओके हाँ जी हीना सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हीना मैम सॉरी, आपने भी हैंड रेज किया। यस मैम, इट क्रिएट्स अ मेमोरी इन टू आवर माइंड। जैसे हम फिल्मों को नहीं भूलते हैं, इसी तरीके से वीडियोस को नहीं भूलते हैं। वेरी गुड तो वेरी वेरी गुड इनपुट मैम। सो अभी हम मैम इसको यहीं रोकते हैं, तो मैं अब आपके पॉइंट्स को कल्मिनेट करती हूँ। जैसा मैम ने बोला कि हम इससे भूलते नहीं है, एक मेमोरी क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? विजुअली तो मैं भी सामने हूँ, मेमोरी क्यों क्रिएट नहीं होगी? क्योंकि उस वीडियो के अंदर अट्रैक्टिव विजुअल्स है, नॉट जस्ट द स्पीकर, उसके अलावा उसके अंदर प्रेजेंटेशन आ सकती है, पॉइंट्स लिखे हुए आ सकते हैं जो कि हम बोर्ड पे लिखते हैं साथ साथ, प्लस उसके अंदर हमारे म्यूजिक साउंड इफेक्ट उसको एनरिच करते हैं जो उसको मोर मेमोरेबल बनाता है। प्लस कुछ चीजों को जो हम फिजिकल लाइफ में नहीं दिखा सकते डायरेक्टली टू एवरीवन, हम हर वक्त नहीं दिखा सकते, वो हमारे पास एज अ वीडियो अगर अवेलेबल होता है तो इट कैन बी शोन टू द चिल्ड्रन एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। एंड उसके अलावा सबने बोला एंगेजमेंट एनहांस करने के लिए, और काफी सारे इनपुट्स आप लोगों ने मुझे दिए। बेसिकली इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए कुछ लोगों ने ये बोला। तो हमने जब ये समझा कि ये सब हमारी नीड, मतलब हमारी नीड है कि टीचिंग लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो, तो वीडियो रिसोर्स जो है बहुत ही यू नो इफेक्टिवली उसको पोर्ट्रे करता है, बहुत ही इफेक्टिवली हमारी उस नीड को पूरा करता है। क्या कि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, एंगेजिंग हो, मैं बच्चे उसे आराम से मेमोराइज कर सके। प्लस जो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनपुट मुझे दिया वो था कि इट इज अ परमानेंट रिसोर्स। मैं आज भी सेशन ले रही हूँ, आई वोंट बी अवेलेबल आफ्टर दैट। अगर मैं मान लीजिए फिजिकल में हूँ, आपका सेशन दिया वो खत्म, पर अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपने कोई पॉइंट मिस किया तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप अन्य टीचर्स को भी उसको दिखा सकते हैं। सो अदर टीचर्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो रिसोर्स। और एनी सिमिलरली वी हैव स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टीचिंग इन वन क्लास एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग इन क्लास 7 और क्लास 9, यू आर नॉट जस्ट टेकिंग वन सेक्शन ऑफ क्लास 9 और 7।
maybe 2-3 sections. So you will have to repeat the same information, but if there is a good video, you can give it to students to see, to all the sections you are teaching or across the sections which are available. This way, a good teacher is able to reach to millions of students, right? Then comes the scope of video. हमें जरूरत तो समझ में आ गई, इसका स्कोप क्या है वीडियो का, हम कहाँ इस्तेमाल करें, क्या एजुकेशन के लिए ये यूजफुल है भी सही, और एजुकेशन में हो सकता है साइंस के लिए बहुत अच्छी हो, पर सोशल साइंस क्या पढ़ा सकते हैं हम वीडियो से? आप सभी टीचर्स हैं यहाँ पे, आपने डेफिनेटली जरूर आपने वो किया होगा कि अपने सब्जेक्ट के, डिफरेंट सब्जेक्ट के आप टीचर्स हैं, तो आपने कोशिश की होगी वीडियो को इन्वॉल्व करने की. तो आपको लगता है कि क्या ये सभी सब्जेक्ट में पढ़ाया यूज किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर में इसका बैरियर है? नाउ आई वुड लाइक यू टू आंसर दैट, कैन यू यूज इट इन हिंदी से, दैट मीन्स लैंग्वेजेस, और यू कैन यूज इट इन मैथ्स, यू कैन यूज इट इन साइंस, और यू कैन यूज इट फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. एनीथिंग वॉट यू वॉन्ट टू एड हियर, द स्कोप ऑफ वीडियो रिसोर्सेस. यस सर, हरि हरि भजन सर बोलिए सर. Actually, ma'am, हाँ can जी, I speak? या yeah, श्योर yeah, sure. Go ahead. जी मैम, सबसे बेस्ट, हेलो जी मैम. हाँ जी सर बोलिए, हरिभजन सर बोलिए. मैं बात ये कि जैसे मैं लैंग्वेज का अध्यापक हूँ, तो आमतौर पर मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने एक कहानी लघु कथा पढ़ाई है, तो लघु कथा पढ़ाने के बाद उन्हीं विद्यार्थियों से उसका मंचन किया, मंचन करके उसको वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके मैंने जब पीपीटी बनाई तो उसको इंसर्ट कर दिया और पीएम विद्या पर चलाया जब मैंने, तो बहुत मुझे फोन आए, इतने इफेक्टिव वो लेसन बन गया, क्या बताऊं आपको. तो किसी भी पार्ट को इसी प्रकार, चाहे वो गणित हो या साइंस हो, अगर ऐसा किया जाए तो मेरे ख्याल से, देखो पढ़ा बच्चे ने, पहले पढ़ा सुना और तत्पश्चात उसको देखा भी, और देखकर देखो एक कहानी की तरह उसको अपने जहन में बिठा लिया, तो मेरे ख्याल से आजीवन है उसके दिमाग में वो कहानी लघु कथा, मेरे ख्याल से जन्मदिन कभी भी नहीं भूलेगा बच्चा, कभी भी नहीं. बिल्कुल सर, तो इस बिल्कुल, प्रकार से यू आर राइट सर. वीडियो का बहुत महत्व है. सो बेसिकली सर ने क्या कहा कि पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने उसको मंचन करवाया. तो मंचन में क्या हुआ, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, उन्होंने खुद उस स्टोरी को जिया. तो ऑफ कोर्स उसकी मेमोरी, उसकी रिटेंशन उन स्टूडेंट्स में तो होगी ही, पर अब जो लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, उनको अगर वो वीडियो मिल जाएगा तो उनकी भी इफेक्टिवनेस, लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी. ये तो हो गई, मैं हिंदी के साथ लैंग्वेजेस को एक साथ कर देती हूँ कि इसी तरह हम अंग्रेजी में कर सकते हैं. नाउ इंद्रनील सर, यू कैन से, यू आर सेइंग समथिंग. आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल सर. हाँ, एक्चुअली इट वाज वो म्यूट कर दिया था ना. द थिंग इज, सबसे बेस्ट मुझे मैडम मोनिका मैडम, सबसे बेस्ट इज बायोलॉजी. यस आई एम टेलिंग यू, मेरे टाइम में यू नो वी हैड द बायोलॉजी टीचर, बेचारी 10-15 मिनट लगा देती थी टू क्रिएट हार्ट, फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. आज के तारीख में यू नो वीडियोस इतना अच्छा वो हो रहा है, वी कैन यू नो देर आर एरोज देर, ये देखो ब्लड ऐसे एंटर हो रहा है एंड द ब्लड इज गोइंग आउट एंड स्टफ, एंड आई मीन टीचिंग इज फन नाउ बिकॉज ऑफ वीडियोज. तो आई थिंक दैट यू नो सर, आई मीन सबसे बेस्ट आई बायोलॉजी टीचर, तो वो खुश हो रही होगी, दुआएं दे रही होगी. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली योर इनपुट इज वेरी गुड. रंभा मैम, आप कुछ कह रहे थे? मैम, मैं बेसिकली संस्कृत की टीचर हूँ, और संस्कृत में थोड़ा सा हर पार्ट को हम मतलब पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन लघु कथाएं हो या श्लोक है, श्लोक को मैं क्लास में पीपीटी के माध्यम से पढ़ाकर फिर बच्चों को उसका रिकॉल करवाकर और फिर बच्चों को बोलकर, और उसका मैं जब क्लास लेती हूँ तो उसको रिकॉर्डिंग करके भी हम वीडियो के रूप में डालते हैं यूट्यूब पर, तो बच्चे कुछ उस समय क्लास में भी देख लेते हैं और क्लास के बाद भी फिर उसको देखकर उसको याद करते हैं, तो ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है. लेकिन संस्कृत के हर यस, मोड में हम पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होती बिल्कुल है. ठीक कहा रंभा मैम. मैंने संस्कृत में ये नोट किया है, आप लोग सभी नोट करेंगे कि संस्कृत में बहुत सारे शब्द जुड़े हुए होते हैं, तो
वीडियो में उसका काम ये रहेगा कि ऑडियो में तो उसकी प्रोनंसिएशन हमें समझ में आ रही है, वीडियो में हम उन शब्दों को ब्रेक करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से उन शब्दों को पढ़ना है, कहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, किस चीज से उसको अलग करना है, कहाँ पे उसका विच्छेद होगा, ये सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से अच्छे से बता सकते हैं। सो इसके अलावा मुझे लगता है, अब मैं आप लोगों के इनपुट्स को यहीं रोकती हूँ, सॉरी मैं सबके ले नहीं पाई। तो ये तो हो गया टीचिंग और लर्निंग। इसके अलावा हमारे पास, हम सभी जानते हैं कि क्लास में अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो हम उन लर्नर्स को भी जो इंडिविजुअल अटेंशन देनी है वो वीडियो के थ्रू दे सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, अगर उसका वीडियो रिसोर्स आपके पास है, आप बच्चों को भेज सकते हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास में नहीं समझा, विजुअल लर्नर है, वो उस वीडियो को देख करके अपनी लर्निंग एनहांस कर सकते हैं। सिमिलरली सर ने इतना अच्छा ऑडियो का हमें एग्जाम्पल दिया, आप लोग के पास ऑडियो रिसोर्सेज है, आप वो शेयर कर सकते हैं। देखिए ऑडियो जो है वो हमें देता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव स्किल हमारी डेवलप करता है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम देख नहीं रहे, हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। वीडियो में जैसा सर ने हमें बताया बायोलॉजी में और इसमें, तो हमारे पास विजिबल है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं चीजों को, जो फैक्चुअल है उनको हम वीडियो के थ्रू, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या सिविक्स हो, हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट, एज अ टीचर हमें समझना है कि कौन से सब्जेक्ट में, किस तरह के टॉपिक में हमें किस तरह का रिसोर्स यूज करना आना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में नहीं, टीचर ट्रेनिंग में वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका दायरा जो है, जो स्कोप है, वो इट इज अप टू अस एज अ टीचर टू एक्सप्लोर, इट इज नॉट एट ऑल लिमिटेड। सो नाउ, सॉरी, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया वीडियो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, उनकी जरूरत क्या है और उनका स्कोप क्या है, हमने ये सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया। अब हमें वीडियो रिसोर्स बनाना है, तो बनाने के लिए हमें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है प्लानिंग। आई होप आपने एडी मॉडल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया होगा। सो बेसिकली हम लोग एनालिसिस करेंगे चीजों का, इंफॉर्मेशन का, कि किस तरह से हमें अपना रिसोर्स डेवलप करना है। वो मैं अभी एनालिसिस के पॉइंट्स पे हम लोग आएंगे, जैसे कि हम कौन सी क्लास के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, किस बच्चे के लिए बना रहे हैं, कहाँ से वो बच्चा बिलोंग करता है, उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे एग्जाम्पल उस तरह के होंगे कि बच्चा उस चीज को आराम से कोरिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सिटिंग इन अंडमान एंड निकोबार माइट नॉट नो अबाउट द रेलवे ट्रैक्स वर्किंग हियर। तो अब हम अगर एग्जाम्पल उसको ऐसा देंगे तो उसके लिए समझना मुश्किल है, तो हम उसको वैसे एग्जाम्पल दें जो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा जो एनालिसिस है कि हम किस टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑडियंस क्या है, हमारे ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, उसका लेवल प्री, जो उसकी प्री नॉलेज हम टेस्ट करते हैं वो क्या है। हमने कोई भारी सा टॉपिक पढ़ा दिया, रीकैप ही नहीं किया, जैसे हमने अभी इस सेशन को शुरू किया तो हम ऑडियो को साथ में मर्ज करते हुए लाए, हमने अलग कूपे में डिस्कस करेंगे, नो, वी आर ऑल टुगेदर। सो ये चीज हमें भी ध्यान रखनी है कि जब हम अपना कोई भी कंटेंट प्लान कर रहे हैं तो हम उन चीजों को जरूर देखें। अब सो ये जो प्लानिंग होती है वीडियो रिसोर्सेज की, उसमें सबसे पहला आता है कि हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। उसकी स्क्रिप्ट क्या है वो हम अभी, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है वो हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर होता क्या है, इट इज अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी विजिबल टू अस, मतलब इट इज अ रिटन प्लान जहां पे हम, हमारे डायलॉग्स हैं, हमारे मूवमेंट हैं जो हम उसमें करेंगे, किस तरह की फोटोग्राफ्स उसमें ऐड होंगी, मैप आएगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमारा जो है वो स्क्रिप्ट में आता है। इसी तरह अगर जरूरत है रिसोर्स बनाने के वक्त तो हम स्टोरी बोर्ड भी डेवलप करेंगे, पर अगर हम खुद शूट कर रहे हैं, हमारे कंटेंट्स क्लियर हैं और उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है चीजों में, तो स्टोरी बोर्ड हम नहीं भी बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट वी आर क्रिएटिंग। सो आप बोलेंगे टाइप ऑफ कंटेंट से क्या मतलब है आपका। सो स्टोरी बोर्ड बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपको 3D 4D एनिमेशन बनवानी है, अब
आप उसके लिए पहले एक स्टोरी बोर्ड बना लेंगे, क्योंकि एनिमेशन में एक एक फ्रेम जो है पहले ड्रॉ होगा। मतलब आपने एक कैरेक्टर दिया, वो कैरेक्टर फाइनल होगा, उसको ड्रॉ करेंगे, वो फाइनल होगा, तब जाके आपका जो है एनिमेशन बनेगा। तो उससे पहले हम उन्हें ये बता सकते हैं कि हमें पहले फ्रेम में क्या चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए, तीसरे में क्या चाहिए। इस तरह से अगर हम उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे तो जो फाइनल रिसोर्स बनेगा वो हमारे पास नियरेस्ट टू व्हाट वी हैव सजेस्टेड वो होगा। ये है स्टोरी बोर्डिंग की जरूरत, राइट? सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द, जो मैंने कहा था कि हमको प्लानिंग करनी है, एनालिसिस करना है, तो हमें एनालिसिस क्या करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंद्रनील सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप म्यूट हैं। हाँ मैं मैडम, स्टोरी बोर्ड और स्क्रिप्ट, ये दोनों में अंतर क्या है? अभी आ रहे हैं उस पे सर, अभी बस एक ब्रीफ बताया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक डन। सो पहला है हमारी डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफी ऑफ द चाइल्ड, जिसके अंदर उसका एज ग्रुप क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, देन लर्निंग प्रेफरेंसेस, वो कैसा लर्नर है। हमने मान लीजिए अपने किसी ग्रुप के लिए बनाना है तो हम देखें वो किस तरह के लर्नर है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो को प्लान करें। प्रायर नॉलेज उनकी क्या है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था। देन वी एक्चुअली फॉर्मुलेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान द कंटेंट अकॉर्डिंगली। अगर हमें जरूरत है, चाहे हम क्लास 9th का पढ़ा रहे, पर अगर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट क्लास 8th में आया है और हमें लगता है बच्चों को नहीं आता, तो हम एक उसका ब्रीफ रीकैप उसमें डालें, जिससे कि वो कनेक्टेड फील करें कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। या हम कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन डालें कि पहले आप वो चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, एंड दिस वे वी आर गोइंग टू बेसिकली, अगर हम एक स्क्रिप्ट अच्छी बनाते हैं, उसमें डिटेल्ड सारी चीजें आती हैं, तो हमारा एंगेजमेंट और जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल वीडियो है, वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। ये हमें देखना है। नाउ बिफोर गोइंग टू द स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड, आई एम ऑल्सो शोइंग अ फ्यू टाइप्स ऑफ द वीडियोज, जैसा कि सर ने, अजीत सर ने डिस्कस किया डॉक्यूमेंट्री। सो सिमिलरली डॉक्यूमेंट्री, वहां ऑडियो डॉक्यूमेंट्री थी, यहाँ पे वीडियो डॉक्यूमेंट्री है। इसके अंदर क्या है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो वो सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्यू ड्रामा भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो मैं इनमें नहीं जाऊंगी। देन ही ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू टॉक, टॉक मतलब जैसे अभी मैं बैठी हूँ और आपको आई एम नॉन स्टॉप आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑन समथिंग, देर इज नो डिस्कशन, देर इज नथिंग, दैट इज अ टॉक। सो दिस इज अ पर्सन, अ टीचर इज टॉकिंग टू द कैमरा, दैट इज कॉल्ड अ टॉक और लेक्चर। वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस फॉर्मेट। आई विल डिस्कस अ फ्यू अदर्स विच आर नॉट डिस्कस देयर। सो देर आर इन वीडियो, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीडियो, वी हैव एक्सप्लेनर वीडियोज। वॉट आर दीज एक्सप्लेनर वीडियोज? दीज आर काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स, लाइक जैसा सर ने बायोलॉजी का एग्जाम्पल दिया कि डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड वीडियोज जो होंगे वो हमारे एक्सप्लेनर वीडियो में आएंगे। मान लीजिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट आपके सामने कंडक्ट कर रही हूँ और उसका वीडियो आपको दिखा रही हूँ, या फिर अगर वो कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं भी है तो मैं आपको कोई जगह की विजिट कराते हुए आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स आपको रिमूव करके दिखाते हुए वीडियो मैंने बनाया है, वो आपके साथ है। या फिर इवन फॉर मैथमेटिक्स आई एम एक्सप्लेनिंग द होल डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड देन वी आर मूविंग अहेड। सो दैट इज ऑल एक्सप्लेनर वीडियोज, राइट? देन वी ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मेट विच इज कॉल्ड स्क्रीन कास्टिंग। आई होप यू हैव हर्ड दिस टर्म स्क्रीन कास्टिंग। अगर नहीं भी सुना है तो आप स्क्रीन शॉट तो लेते ही होंगे फोन पे, कि कुछ आया तो हमने स्क्रीन शॉट ले लिया। वो होता है स्क्रीन को कैप्चर करके एक इमेज को लेना। स्क्रीन कास्ट मीन्स इट इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जैसे अभी हम लोग, मैं अभी आपको एक किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ और एक मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला है जिसके थ्रू मेरी इमेज भी आ रही है, मेरी प्रेजेंटेशन भी आ रही है। सो एंड आई एम रिकॉर्डिंग द होल सेशन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। द सिंपल एग्जाम्पल इज जूम राइट नाउ, दैट इफ आई जूम इज ऑल्सो अप टू सर्टन एक्सटेंट फ्री, सो इन दैट केस आई स्विच ऑन द जूम, आई टी टेक वन सेशन विदाउट एनी स्टूडेंट एंड देन शेयर द वीडियो विद देम। दैट इज ऑल्सो स्लाइटली मॉडिफाइड एग्जाम्पल ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बट अदरवाइज देयर आर
एक्चुअल सॉफ्टवेयर्स लाइक स्क्रीन कास्टोमैटिक कैमटेशिया विच अलाउज यू टू रिकॉर्ड द स्क्रीन ऑल्सो गिव यू ऑप्शन दैट यू वॉन्ट टू यूज योर फेस और नॉट एज अ टीचर यू वॉन्ट टू बी विजिबल और नॉट एंड ऑल्सो देर आर अदर टूल्स सम टूल्स विच सम अलाउज फॉर ऑडियो सम डजेंट अलाउ फॉर ऑडियो सो डिपेंडिंग ऑन द नीड वी कैन चूज द टूल एंड वी कैन डू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो इफ एज अ टीचर यू फील दैट आई कांट गो आउट एंड रिकॉर्ड अ वीडियो बट यू कैन डेफिनेटली प्लान अ वीडियो यू कैन हैव अ नाइस प्रेजेंटेशन यू कैन हैव डिफरेंट विजुअल्स विद यू इमेजेस विद यू एंड यू कैन रिकॉर्ड द स्क्रीन वाइल displaying all those and explaining those things and also like for example I have to give a demonstration of a software that will be given on the computer itself so there the screencasting will come as a savior that it will record the complete demo along with me or without me as we wish as a teacher and we can have a video of demonstration of something how it works Okay, so in nowadays, because we have to learn a lot of softwares, not just for professional purposes, but also हमें regular life में भी बहुत सारे software use करने हैं, तो उनकी हम screen recording बना करके डाल सकते हैं जो भी audience हमारी है students हैं या आजकल influencers हैं social media पे they are creating videos, so this can also be created through the desktop without having any high-end technology with us, right? सो आप मैगजीन फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है जैसे हम लोग के पहले कुछ प्रोग्राम्स आते थे दूरदर्शन पे जब इतना सारा केबल और ये अभी तो नेक्स्ट लेवल ओटीटी आ गया तब हमारे कुछ प्रोग्राम आते थे उसमें बीच में एक स्टोरी होती थी एक्ट होता था एक गाना आता था एक पोयम आती थी इस तरह से एक मर्ज किया हुआ जो पूरा प्रोग्राम था वो है वीडियो का मैगजीन फॉर्मेट सो कुछ फॉर्मेट सिमिलर है और ऑल्सो ये फॉर्मेट यहाँ लिमिटेड नहीं है आप इसके बियॉन्ड भी बहुत नए फॉर्मेट्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के बेस पे कि हमें क्या बनाना है इंटरव्यू हम लोग करते हैं ग्रुप डिस्कशन को हम वीडियो में कर सकते हैं सो दैट कुड ऑल्सो बी अ डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट विच वी कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आर सब्जेक्ट द नेक्स्ट थिंग इज नाउ वी आर कमिंग टू द स्क्रिप्ट How to write script and also what are the major components of the script. So, आप जब script लिखेंगे हमने पहले planning आपको बता दी आपने analysis सारा कर लिया कि हमारा जो audience है वो कौन है उसकी previous learning क्या है वो उसकी background क्या है ये सारी चीजों को करने के बाद हमने अपना content decide कर लिया और हमने अपना format भी decide कर लिया कि मेरा video जो है एक स्टोरी टेलिंग मोड में बनेगा या मैगजीन फॉर्मेट में बनेगा ये आपने डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन द लर्नर क्योंकि लर्नर अगर मान लीजिए क्लास 5 के लर्नर के लिए आप वीडियो बना रहे हैं और आप लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे वो नहीं सुनेगा आप क्लास 12th के बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस कार्टून थिंग्स डाल रहे हैं वो भी नहीं सुनेगा सो वी हैव टू सी द एज ग्रुप ऑफ द लर्नर दैट व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग टू देम राइट सो ये चीज हमको देखनी होगी एंड देन वी कम टू द टाइटल अब टाइटल कैसा होना चाहिए जिसके थ्रू हमें पता चले इस प्रोग्राम में है क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं सिमिलरली वीडियो के लिए भी हमारे कुछ रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम इस वीडियो के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे हैं क्या हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे वो हमारे फिक्स होने चाहिए देन इंट्रोडक्शन वेन यू आर स्टार्टिंग इन एनी वीडियो जैसा अभी सर ने बताया नमस्कार आइए आज हम पढ़ेंगे इस विषय के बारे में तो कोई भी उसमें एंगेज नहीं होगा बट इफ आई से जैसे हमने आज सेशन शुरू किया कि आओ लेट्स डिस्कस समथिंग आप लोग अपने इनपुट्स बताइए सो मैंने एंगेज किया व्यूअर्स को एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एंगेजिंग एंड एवरी सब्जेक्ट कैन ऑल्सो नीड अ डिफरेंट वे ऑफ एंगेजिंग एंड जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंगस्ट लर्नर्स देन द प्रेजेंटेशन ऑफ मेन कंटेंट जैसा भी फॉर्मेट हमने डिसाइड किया है एक्सप्लेनर है तो हम एक्सप्लेन करेंगे टॉक है तो टॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होगा सो दैट वी आर एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहीं भी ऑब्जेक्टिव से अवे ना जाएं। देन टुवर्ड्स द एंड जैसे हम क्लास में रिकैप्चुलाइज करते हैं कि क्या आपने पढ़ा वो हमें यहां भी करना है समराइज करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हम बुलेट में हमारे पॉइंट स्क्रीन पे आ सकते हैं वो हम कर सकते हैं या फिर एज अ टीचर आई कैन जस्ट रिपीट एक अच्छी इंफोग्राफिक की फॉर्म में आपके सारे पॉइंट आ सकते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज
हम अपने वीडियो के एंड में कोई क्यूआर कोड दे सकते हैं, कोई क्विज का लिंक दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी हम उसके थ्रू भी लर्नर्स को एंगेज कर रहे हैं टू विद अस दैट दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे हैव डन समथिंग, सो देयर कैन बी अ कॉल टू एक्शन ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द स्क्रिप्ट, अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिखाई है, पर स्क्रिप्ट का पूरा आपके सामने इस वक्त फॉर्मेट है, इसी तरह से वो लिखी जाएगी स्क्रिप्ट, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो वो कंटेंट हम लोग के लिए वेरी हो सकता है. पहली चीज, नॉर्मली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कॉलम्स, इन वन कॉलम वी राइट द कंप्लीट ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड द सेकेंड वी राइट द विजुअल्स एंड वीडियो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विजुअल एंड अ वीडियो, व्हाई आई हैव रिटन टू वर्ड्स, एनीवन, कोई समझता है कि वीडियो और विजुअल में क्या फर्क है? आई थिंक विजुअल हैज नो पिक्चर्स साउंड मे यूज्ड, बी यस मैम, हम पिक्चर्स मैडम आर वीडियो जस्ट एक वीडियो 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 मैडम होती है, जो विजुअल हम सुनते हैं और देख अलग, सकते हैं आई उसे थिंक मैम विजुअल कहते हैं। इमेजेस इज आल्सो कॉल्ड विजुअल्स, इमेजेस बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड, इमेज को जोड़ के विजुअल ड्रा कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज हाँ नॉट हम लोग मूविंग। सही, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है. जो हमने बात की थी शुरू में कि मल्टीपल मीडिया है इसके अंदर, उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि एक वीडियो रिकॉर्डेड हो सकती है, उसके अलावा इमेजेस हो सकती है, इन्फोग्राफिक हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, मैप हो सकता है, वीडियो मैम हो गया. हाँ जी मीनू जी, जी, मैम ऑडियो में ना हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वीडियो में कुछ चीजें हमें नजर आ जाती हैं, लेकिन ऑडियो में हमें नरेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो बहुत यस इम्पोर्टेंट होंगे. राइट राइट. सो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि वीडियो क्या है, वीडियो तो हो गया जो रिकॉर्डेड वीडियो हमने देख लिया, विजुअल वो है, वीडियो कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ विजुअल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल इमेज इज अ विजुअल, वीडियो इटसेल्फ इज अ विजुअल रिसोर्स, बट ऑल्सो इमेज कैन बी अ पार्ट ऑफ वीडियो. वीडियो हाउ? बिकॉज व्हेन आई एम एडिटिंग अ वीडियो आई कैन एड अ फ्यू इमेजेस इन टू इट, राइट? सो दीज आर इंटर दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज है कि वीडियो के अंडर भी विजुअल्स आ सकते हैं और विजुअल के अंडर भी हम वीडियो को देख सकते हैं, राइट? तो अब हम देखेंगे ऑडियो में क्या चीज आएगी स्क्रिप्ट के, उससे अगर हम देखें तो जो हमारे नरेशन है, जो भी हमें बोलना है, जैसे अभी मैं, हमारा एक सेशन चल रहा है उसके अंदर मैंने जितना भी बोला दैट इज अ नरेशन, वो आएगा डायलॉग्स आर रिटन हियर, जो भी मेरे डायलॉग्स है इसके अंदर. डायलॉग को लिखते कैसे हैं? नॉर्मली डबल स्पेस में. क्यों? क्योंकि जब हम डायलॉग को पढ़ते हैं, जो जो स्पीकर है, जो टीचर है, उस डायलॉग को पढ़ेगा, तो कभी कभी जो हमने लिखा है और हम बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके टर्म्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड्स लिखने में अच्छे लगते हैं हो सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में उतने अच्छे से ना आए, या वो फ्लो तोड़ दे, तो उस केस में वो अपने मार्क कर सकता है, वर्ड को थोड़ा एडिट कर सकता है, प्लस अगर कोई कॉमा फुल स्टॉप पॉजेस मार्क करने हैं स्पीकर को, ही और शी कैन डू दैट. सॉरी, एक से ही और शी कैन डू दोस कॉमा एंड फुल स्टॉप मार्क्स आल्सो इन द ऑडियो. तो ये तो हमारा, हम अभी ऑडियो को डिस्कस कर रहे हैं. अब इसके अलावा अभी तो यहाँ पे अकेले मैं बोल रही हूँ और कुछ जगह पे आप बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि ऑडियो में अगर हम ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्रिप्ट लिखी मोनिका विल बी स्पीकिंग दिस 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 दिस, मोनिका डैश और मेरे डायलॉग्स है, फिर आता है पार्टिसिपेंट वन, पार्टिसिपेंट टू, पार्टिसिपेंट फाइव, मे बी हमने पांच रेस्पॉन्स लिया, हमें नाम नहीं पता यहाँ पे, पर हमने लिखा पार्टिसिपेंट वन, वो कैसे लिखा हमने? कैपिटल लेटर्स में. जो पिछला डायलॉग था वो हमारा था रनिंग टेक्स्ट में, रनिंग टेक्स्ट मीन्स इट इज अ रीडिंग टेक्स्ट, कैपिटल टेक्स्ट मीन्स इट इज एन इंस्ट्रक्शन. ओके, तो अब मेरा नाम है मोनिका इन कैप्स एंड डायलॉग, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगी कि ये वाला डायलॉग है, ये मुझे पढ़ना है, और पार्टिसिपेंट वन लिखा है तो आप समझ जाएंगे ओके मेरा पार्टिसिपेंट वन में है, मुझे ये वाला डायलॉग पढ़ना है. मान लीजिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस केस में बता रही हूँ. सिमिलरली अगर कोई साउंड इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, आप कोई म्यूजिक डालना चाह रहे हैं, वो भी आप कैपिटल लेटर में ऑडियो की साइड पे अलग लाइन में लिखेंगे, मर्ज करके नहीं कि म्यूजिक ये और साउंड इफेक्ट ये, नो, यू हैव टू राइट दैट आई नीड अ वेरी आई नीड बैकग्राउंड म्यूजिक व्हिच इज वेरी लो एंड इट शुड हैव अ मॉर्निंग वाइब. ओके, विंड इज ब्लोइंग बट वेरी स्मूथ विंड इज ब्लोइंग, सो
In that case, this is a music, which music or sound effect instructions I am giving. The dog is barking at the, far away place. That means the very meek voice of the dog is there. So we have to write music in a different line, sound effect in a different line, separate lines, so that the creator, whoever is going to do it, will be able to identify your instructions very clearly. Okay. Now coming to the video part. Here, all the instruction related to the video will be here. For example, मेरा डायलॉग पहला आया तो मेरी स्लाइड आई एक, वो मैं अभी खुद मैनेज कर रही हूँ. अगर आप किसी और से एडिट करवा रहे हैं तो मेरी स्लाइड आएगी वहां पे, तो मैं वो स्लाइड को एज अ पिक्चर दूंगी या लिखूंगी स्लाइड नंबर वन. अगर मैंने कोई वीडियो शूट किया है तो मैं लिखूंगी द शॉर्ट वीडियो, जो भी वीडियो शूट किया गया है फ्लावर का, वो वाला आप डाल दीजिए. एंड देन ऑल्सो आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शन कि अगर कोई चीज शूट होनी है तो मैं ये बोलूंगी प्लीज शूट अ वीडियो ऑफ अ फ्लावर रिमूविंग पेटल्स वन बाय वन एंड शोइंग द पेटल. फॉर एग्जाम्पल दिस, आई हैव रिमूव्ड दिस पेटल, शोइंग इट टू द कैमरा सो दैट द ऑडियंस कैन सी इट. दिस इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैमरा कैन बी गिवन, फोकस ऑन द पेटल एंड फोकस ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर. So this way instructions can be given, but the instruction will be given in capital letters. अगर कोई मान लीजिए बड़ी वीडियो बननी है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल या कॉलेज की वीडियो बननी है, तो बाहर का गेट बहुत बड़ा है, एक शॉट में आएगा नहीं. वी कैन से कि एक आपका ऐसे पैन आएगा, आपको एक शॉट लेना है जिसमें आप पूरे वीडियो स्कूल को ऐसे दिखा रहे हैं. अगर मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग है तो आप ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टिल्ट अप टिल्ट डाउन. So, ये इंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं भी पता, मान लीजिए टिल्ट नहीं पता आपको वर्ड या पैन नहीं पता, तो आप बोल सकते हैं कि साइड वेज वीडियो आ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, या फिर वीडियो ऊपर से नीचे आ रही है. इस तरह से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस उसमें जरूर ऐड करें, जिससे कि जो वीडियो बनाने वाला है उसके पर उसको पता हो कि आप चाह क्या रहे हैं उस वीडियो में. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला स्कूल की वीडियो बना दो, वो गया ऐसे कैमरा रखा और ऐसे अंदर चला गया सीधा, उसने कुछ नहीं दिखाया आसपास कितना बड़ा है. हम दिखाना चाह रहे कितना बड़ा स्कूल है, उसमें कितनी तरह के प्लांट्स लगे हुए दिख रहे हैं, या कुछ और हम दिखाना चाह रहे हैं पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर एडमिशन. तो वो चीजें उसके अंदर हमारी कवर होनी चाहिए. ओके, इसके अलावा कोई इमेज आनी है, कोई कैप्शन, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे नाम के मेरे नीचे मोनिका लिखा आना चाहिए. तो जूम ने तो ये फैसिलिटी दी, अगर आपने नाम सेव किया तो नीचे आएगा. बट अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको अलग से ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि कैप्शन में हमें एस्टन बैंड देना है, कैप्शंस देने हैं, या फिर कोई मैप ऐड करना है, जो भी हमें ऐड करना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि मैप, तो आप मैप का लिंक भी दे सकते हैं कि यहाँ से मैप उठाएं, क्योंकि हो सकता है वो कोई गलत जगह से मैप उठाए. मान लीजिए उसने मैप उठाया, उसमें तेलंगाना अभी अलग ही नहीं हुआ है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है. तो ये है हमारा एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेट. अब आई थिंक सर को क्लियर हो गया होगा कि स्क्रिप्ट क्या होती है. स्क्रिप्ट ये होती है जब हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी साइड बाय साइड चलती हैं, प्लस डायलॉग्स होते हैं, देन वी कॉल इट अ स्क्रिप्ट. सो इट इज बेसिकली अ फुल प्रूफ प्लानिंग ऑफ व्हाट विल बी विजिबल इन द वीडियो एंड व्हाट विल बी स्पोकन इन द वीडियो. Now, when a few important components of script, I will wind up in 5 minutes. Alok, I need 5 minutes. Okay, ma'am. Please, you can continue in the main session if anything is remaining, ma'am. Sure, ठीक है, थैंक यू. स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जैसा सर ने हमें बताया कि इफ यू स्माइल ऑन माइक द ऑडियंस विल स्माइल विथ यू, सो हियर इफ यू यूज द सिंपल लैंग्वेज द ऑडियंस विल बी विथ यू. अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज दिखा रहे हैं, अपनी भाषा का ज्ञान दिखा रहे हैं, तो जो है एंगेजमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि सबको वो लैंग्वेज उतनी समझ नहीं आएगी. हमारा एम पढ़ाना है, हमारा एम हमारी भाषा का वो नहीं करना है. इसी तरह क्लैरिटी, कंफ्यूजन अगर आपके किसी भी एक्सप्लेनेशन में होगा, अगेन वहां पे वो चीज की अंडरस्टैंडिंग कम होगी. डायलॉग्स आप छोटे रखिए हमेशा, चाहे ऑडियो में हो या वीडियो में. हम लोग नॉर्मली लिखने में तीन तीन लाइन के डायलॉग्स सेंटेंस लिखते हैं, पर ट्राई टू मेक इट कन्वर्टेड इनटू वन लाइनर डायलॉग, सो दैट
इट इज कम्युनिकेटेड इजीली. जैसा छोटा डायलॉग होगा उसका मीनिंग कंप्लीट होगा. हमें पूरा लंबा सुन के बाय द टाइम हम आगे का सुनते हैं पीछे का भूल जाते हैं. देन दिस विल एंश्योर द एंगेजमेंट दैट हाउ फॉर एग्जाम्पल आर पेस ऑफ स्पीकिंग विल ऑल्सो इंश्योर द एंगेजमेंट. वी कैन हैव वराइटी ऑफ इलस्ट्रेशन एंड डायलॉग्स, वराइटी ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डायलॉग्स फॉर द यू नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्क्रिप्ट. सो विजुअल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे. वी कैन हैव इमेजेस, वी कैन हैव ग्राफ्स, वी कैन ऑल्सो हैव स्मॉल एनिमेशन मेड ऑन अ डिफरेंट थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड वी कैन ब्रिंग इट हियर इन द वीडियो. So storyboard, I think then I will continue it in the next session so that we can give it a full attention. Don't worry, we will definitely cover the storyboard first and then we will move on to the video creation part of it. Thank you very much. Thank you so much, Monica ma'am, for introducing the storyboarding and script writing of the video concept. The remaining things were continued in the main session. So thank you so much, ma'am.